के अखबार से हमारा जो हाई स्कूल सैलरी है उसको अगर सर हाई सेकेंडरी स्कूल किया जाए तो ये हमारी दरीना डिमांड है और पब्लिक के लिए ये एक बहुत बड़ी हौसला अफजा बात होगी, इसलिए कि हमारी सैलरी बहुत बड़ा गाँव है और उसमें कोई इस वक्त मिडिल स्कूल करता सर बहुत पुराना स्कूल है जिसके कारण से उन्होंने कहा कि उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाया जाए। वहाँ इतना बड़ा नाला है जो अश्विन साहब की तरफ भी देखा है और बाकी हमारे हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो बना था सर इस तक उसकी भी कुछ कोई प्रॉब्लम शायद क्या है वो भी अभी तक स्टाफ वगैरह नहीं है उसमें और ना ही वो मुकम्मल हुआ है। बाकी सर एजुकेशन के ताल्लुक से मैं गुजारिश करूंगा कि सर एजुकेशन का जहां तक ताल्लुक है बच्चे सफ़र हो रहे हैं, लॉकडाउन का माहौल है और उसमें बच्चों की एक्टिविटीज़ जो बच्चों की परेशानी है वो बहुत बड़ी है, वो पूरे हमारे हिंदुस्तान में चाहिए ताकि इसके साथ साथ मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारे गांव में एक हाई स्कूल और वो हाई स्कूल ये सुनकोट पुंछ रोड है उस पर पार करना। हमारी बच्चियां 8-9 किलोमीटर चल के पैदल आके उस हाई स्कूल में जो है वो तालीम हासिल करते हैं। हमारे पास एक ऐसा स्कूल है जो दराज जाने से बच सके। उसके साथ साथ मैं अपनी पंचायत की मेरी यही डिमांड है, मेरी ये गुजारिश है आप इसको प्रायोरिटी पर रखें। एक बार मैं तमाम सरपंच हजार से ये गुजारिश करूंगा, वो उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा सुने एक बात जरूर रखूंगा कि हमें जो पहाड़ी स्टेटस या पहाड़ी रिजर्वेशन हमें 4% मिली है उसके लिए सरकार ने जो ये इनकम बाहर रखी है 8 लाख, मेरी ये गुजारिश है इस इनकम बार को खत्म किया जाए ताकि हमारी इस पहाड़ी कम्युनिटी में दो पार्टनर हो। अगर रिजर्वेशन दी है ये 40 साल 50 साल या 70 साल लगा के हमें अगर ये रिजर्वेशन दी है इस रिजर्वेशन पे जो ये इनकम बार है कम से कम उसको खत्म किया जाए। मैं सरपंच जी से आप चाहते हैं तो हाथ खड़ा करें। दूसरी मैं किसी साहब से एक गुजारिश करूंगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसको जाना होता है क्योंकि आपका ऑफिस वहां पर है, आपके सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वहां पर हैं। हमारी एक गुजारिश है कि कम से कम हमारे इस ब्लॉक से एक हमारा वफद सरपंच हजरात का वो होना चाहिए ताकि हम भी अपनी जो है वो डिमांड जो है वो सरकार तक पहुँचा सकें क्योंकि वहाँ पर सिटी के लोग होते हैं। हमारे साथ हैं वहीद शाह साहब जो सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, हम इनसे जानेंगे जो डीसी साहब ने आज मीटिंग रखी है इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। ये अपनी नौयत की पहली मीटिंग है यहाँ सुरनकोट में। 2017 में जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन होने के बाद ये जो आज रिव्यू मीटिंग डीसी साहब की क्यादत में ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान और तहसील ऑफिसरान यहाँ डाक बंगला सुरनकोट में इकट्ठे होकर इस COVID-19 के बीमारी की वबा को देखते हुए एक रिव्यू मीटिंग जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन साहब ने बुलाई है उसके तहत आज डाक बंगला सुरनकोट में सरपंच हजरात और हमारी बहनें सरपंच सब इकट्ठे हुए हैं उसके तलक से जो ये मीटिंग जो है वो आज चल रही है हमारे सुरनकोट डाक बंगला में। सरपंच साहब आप बताएं इस मीटिंग में जो लोगों ने आपने क्या क्या ऑप्शन रखे हैं, सरपंच हजरात ने आपने क्या क्या ऑप्शन रखे? मैं ये समझता हूँ कि हमारे सरपंच हजरात ने यहाँ पर बहुत सारी डिमांडें रखी हैं क्योंकि हमारे सरपंच हजरात जो है रूरल एरियाज से तलक रखते हैं, पंचायतों का मसला होता है, यहाँ पे पानी का मसला है, यहाँ पे बिजली का मसला है, यहाँ पे बिजली के किराए का मसला है, यहाँ पे जैसे राशन का मसला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो BPL में फाल करते थे वो APL में लगे हुए हैं। यहाँ पे रोडें वर्स्ट कंडीशन में हैं, जो अरसा 10 साल से 15 साल से जो कि तू पड़ी हुई है वहाँ पे कोई भी जो है काम इस वक्त तक नहीं हो रहा है। उसके तलक से आज हमारे तमाम सरपंचों ने अपनी अपनी डिमांडें जो हैं वो रखी हैं जनाब DC साहब के पास ताकि हमारी ये मांगे जो हैं वो DC साहब सरकार के पास पहुँचाएँ और उस के तलक से जो है वो हमारे रूरल एरिया में जो है वो काम हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारे तमाम सरपंचों ने यहाँ पे एक बात रखी है कि जो पहाड़ी रिजर्वेशन जो है इसके तलक से हमारे तमाम सरपंचों ने एक आवाज़ बुलंद की है कि
उस पर जो इनकम बार रखी है कि 8 लाख के अंदर जो भी बंदा फाइल करेगा वही जो है वो पहाड़ी सर्टिफिकेट या उस रिजर्वेशन के अंदर आएगा। वो हमारे तमाम सरपंचों ने उसका सरकार से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द जो है वो इसको कट किया जाए, इस आर्डर को वापस लिया जाए, नहीं तो हम जितने भी पहाड़ी लोग हैं हम रोडों पर उतरेंगे, हम तमाम पंचीज को, हम अपनी बहनों माओं को रोडों पे लाएंगे। हमारे साथ जो ये इंसाफी 70 साल के बाद जो एक हमारे गवर्नमेंट ने एक मेहरबानी की थी, उस मेहरबानी के बाद भी जो है वो हमारे कम्युनिटी के अंदर दरार जो है डालने की कोशिश की जा रही है, हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम इसको प्रोटेस्ट की शक्ल में जो है वो लाएंगे अगर ये आर्डर वापस ना किया गया तो। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने परसों आके हमारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंटेट किया है और वो यहाँ पे आए हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी पे रखा और वो आए, हम लोगों की जो है वो बात सुनी। जहाँ पे बॉर्डरों पे जो आज शेलिंग हो रही है, हमारे बहुत सी जो हैं वो जाने जा चुकी हैं, हम ये गुजारिश करेंगे LG साहब से कि उनके तालक से भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रابطہ करके उन लोगों को शिफ्ट किया जाए जो बॉर्डर के ऊपर रहते हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये गुजारिश करूंगा कि हमारे पहाड़ी तालक से जो है वो उसको आर्डर को वापस लिया जाए, नहीं तो हम जो है वो आंदोलन पर उतरेंगे तो वो सरकार के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा।